पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लखनऊ में शुरू हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लाइव प्रसारण मुरादाबाद से देखा गया। इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद मुरादाबाद में मंच से छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। MLC डॉक्टर जयपाल सिंह वैश्य ने संबोधित करते हुए इन्वेस्टर्स समिट की जानकारी दी और संभावनाओं के बारे में बताया। तो वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भले ही उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर पर सवाल उठाएं और उत्तर प्रदेश इन्वेस्ट का बहुत बड़ा हब अब बन चुका है। इस दौरान नगर विधायक नीतीश गुप्ता ने भी इन्वेस्टर समिट के बारे में जानकारी दी। MLC सतपाल सिंह सैनी, जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, DIG शलभ माथुर, SSP हेमराज मीणा ने अतिथियों का स्वागत किया। मुरादाबाद में स्थानीय निवेशकों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुरादाबाद जिले से करीब 33,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त आयुक्त उद्योग योगेश कुमार और संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में आज सबको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे और उसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसका उद्देश्य है प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश की संभावनाओं को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना। और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं। जनपद स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट हुए हैं और आज भी इसीलिए जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर ये समिट हो रहा है। इसका जो मूलभूत उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करना यूपी को इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो यहाँ की संभावनाओं को देखें। और इसके पहले जो हमारी जितनी बाधाएं थी रही हैं उन सबको धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। हमने सिंगल विंडो प्रदेश स्तर पर भी किया है, मंडल स्तर पर भी किया है, जनपद स्तर पर भी किया है। और इसीलिए कल ही हमने अपने आर्टिजन्स को प्रमोट करने के लिए, अपने FPOs को, फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए एक अलग वेबसाइट भी लॉन्च की है। मुरादाबाद मंडल की अलग से वेबसाइट लॉन्च की है, जो अभी तक मंडल की वेबसाइट नहीं हुआ करती थी। ये सारे प्रयास इसलिए हैं क्योंकि ताकि लोग दूर बैठे भी हमसे जुड़ सकें, यहाँ के बारे में जान सकें और यहाँ के संभावनाओं के दृष्टिगत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। इससे रोज़गार भी बढ़ेगा और हमारे जितने युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो हुनरमंद हैं, जिनकी ट्रेनिंग भी हम कई तरीके से करा रहे हैं, उन सबको रोज़गार भी मिल सके। और जो $1 trillion इकॉनमी का जो कॉन्सेप्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो हम इस साल पूरा कर सकें। ये जो प्रयास है ये बहुत ही शानदार प्रयास है और जो लोग इंडस्ट्री में नहीं हैं उन लोगों का भी रुझान इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा है इसे देख के। और जो लोग छोटी इंडस्ट्री लगाए हुए हैं उनका बड़ी इंडस्ट्री लगाने का मन कर रहा है। और ये महसूस हो रहा है कि आने वाला जो भारत है वो एक इंडस्ट्री का हब होने जा रहा है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरह ये है कि किस तरह हम पूरे वर्ल्ड को चीज़ें सप्लाई करें और किस तरीके से हम इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ करें। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय कदम है और ईश्वर से प्रार्थना है कि इसी तरीके की चीज़ें इस देश में होती रहें और जो उद्योगपति हैं वो आगे आएं और इस तरीके से चीज़ों का निर्माण करें। एक नए बदलाव की शुरुआत है। बिल्कुल एक नए बदलाव की शुरुआत है। ऐसा लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कि जैसे एक औद्योगिक प्रदेश के रूप में स्थापित होने की तरफ इसके लगातार कदम बढ़ रहे हैं। विनय कुमार कोठारी। आपने समिट को ज्वाइन किया आज की, क्या पाया और क्या लगता है आपको इस तरह की समिट के बाद? ऐसे तरह के प्रोग्राम रोज होने चाहिए, बच्चों को नए नए अपने देश में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है, इसके बारे में पता पड़ता है। हम खुद बाहर से पढ़ने मुरादाबाद सिटी में आए हैं तो हमें भी पता चलता है कि रोजगार के नए नए अवसर हमारे राज्य में आ रहे हैं, तो हम भी हमारे जॉब को लेकर सिक्योर रहेंगे। और हमें आशा है कि गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम कराते रहे जिससे हमें भी विश्वास रहेगा कि हमारा देश प्रगति कर रहा है। अच्छी पहल सरकार ने की है और मैं समझता हूँ कि जो पहल है वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगी। और जिस तरीके से अभी से पहले भी सिमिट्स हुई हैं उसका लाभ तो मिला है, लेकिन अब और हाईटेक तरीके से काम सरकार ने किया है, मैं समझता हूँ इसका निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं,
उसमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था कि कहीं जो लोगों को दिक्कतें हो रही थी उसमें कहीं जहाँ लक्ष्य होता है वहाँ कामयाबी मिलती है, और जब किसी लक्ष्य को छूने के लिए कोई प्रयत्न करता है तो उसका प्रयत्न कामयाब हो जाता है। मुरादाबाद ने बड़ी भागीदारी निभाई है इस बार। ये मुरादाबाद की खुशनसीबी है कि मुरादाबाद की ही भागीदारी के बदौलत पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आर्टिजन्स का एक लोटा लेकर जर्मनी गए, हमारे आर्टिजन्स को एक उन्होंने पद्मश्री से नवाजा, ये मुरादाबाद के लिए खुशकिस्मती है। मैं भविष्य में आशा करता हूँ कि मुरादाबाद की ओर सरकार का ध्यान जाएगा और मुरादाबाद की इंडस्ट्री में नए आयाम मिलेंगे, मुरादाबाद की इंडस्ट्री तरक्की करेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।